फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ऑरेंज जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक्स है, इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो चलिए हम इसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ऑरेंज जूस बनाने के लिए हमने 4 ऑरेंज को अलग अलग तोड़ रखा है। शक्कर, नींबू का रस, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और चिल वाटर ले रखा है। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे, तो ये जूस वाला जार है, इसमें हम ऑरेंज को डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज छिलने के बाद हमने उसके पीसेस अलग कर रखे हैं, इससे ब्लेंड होने में आसानी रहती है। तो आप ये ऐसे ही कीजिए। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डालेंगे, तो एक ग्लास के लिए हमने 4 चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में हम चाट मसाला ऐड कर लेंगे, ब्लैक सॉल्ट डाल लेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा चिल वाटर डालेंगे, क्योंकि प्योर जूस बनाने में मिक्सर जार में दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा चिल वाटर डालेंगे। और यहाँ पे हमने लेमन जूस निकाल के रखा है, तो 2 टेबल स्पून हम डाल लेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के ब्लेंड करेंगे। तो ध्यान रहे, हमें ज़्यादा ब्लेंडर नहीं चलाना है, रोक रोक के 5 से 6 बार चलाना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना जूस तैयार है। अब हम इसे स्ट्रेनर रख के छान लेंगे। 1 चम्मच की मदद से हम उसे हिलाते रहेंगे, तो सारा जूस अपना निकल आएगा और एक्स्ट्रा जो सी और उसमें जो छिलके धागे जैसे होते हैं वो बच जाएगा। तो आप चाहे तो इससे मोटा वाला भी जाली रख के छान सकते हैं, पर हमने बच्चों के लिए बनाया है तो बारीक वाला छन्नी रख के इसमें निकाला है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल उसका सीड और रेसा ही बचा है, जूस अपना निकल के आ गया है। तो चलिए हम इसे ग्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे फ्रिज में चील करके पीजिए या ऐसे भी लंच पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया अपना फ्रेश जूस तैयार है, उस पर हमने थोड़ा सा चाट मसाला से गार्निशिंग कर रखा है। तो फ्रेंड्स, इस जूस को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।